आओ मिल बांचे। जी हाँ, एक समग्र प्रयास जिसके जरिए साक्षरता को बढ़ावा देने और सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत इंदौर जिले के कलेक्टर निशांत वरवड़े भी बने स्कूली टीचर। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर जिले के प्रशासनिक मुखिया डीएम निशांत वरवड़े ने शुक्रवार सुबह जिले के सरकारी स्कूलों में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखीं और स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर आओ मिल बांचे का संदेश दिया। रात्रि 12 बजे पास होता है। ओ भाई, तेरा नाम क्या है? नंगे 12 बजे तक करते क्या हो? मैं भी सोया करता। और मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। तुम जैसे डरते हो ना अंग्रेजी से, वैसे मैं भी डरता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अंग्रेजी सीखना चालू किया, क्योंकि हमारे स्कूल में जो पढ़ने का माध्यम था हिंदी मीडियम स्कूल हुआ, हिंदी मीडियम स्कूल है हिंदी मीडियम के थे, और कुछ बच्चे जो थे वो इंग्लिश मीडियम मिक्स स्कूल था। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। कलेक्टर ने बच्चों के बीच पहुंचकर यहां उनका उत्साह बढ़ाया और बातों ही बातों में शिक्षा का जीवन में सही महत्व भी उन्हें समझाया। हमारे देश में अब व्यक्तिगत स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। पीवी सिंधु ने हम लोगों के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आया। आप तो ओलंपिक समझते हो। जिला कलेक्टर निशांत वरवड़े का कहना था कि आओ मिल बांचे एक ऐसी पहल है जो हमें प्रेरित करती है और जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य भी देती है। मिल बांचे कार्यक्रम में आज हम लोग विद्यालय में आए और मैंने 5वीं कक्षा के बच्चों के साथ में अपने जीवन की, स्वयं के जीवन की 2 कहानियों को उनको शेयर किया। इंटेंशन ये था कि बच्चों के साथ में हम अपना टाइम स्पेंड करें, बच्चों को हमारे लाइफ में या ऐसे कुछ प्रसंग बताएँ जिसमें कुछ सीखने को मिले, बच्चों में एक मोटिवेशन बने, बच्चों को हम उनके अंदर का जो टैलेंट है वो रियलाइज़ करवाने में कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करें। सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों का चीज़ जो होता है उनका जो बचपन है, उस बचपन को हम रियलाइज़ करवाएं कि कितना इम्पोर्टेंट है। खेल भी उतना ज़रूरी है जितना पढ़ना। एक व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए हम और क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किताबों से कितना स्नेह रखना ज़रूरी होता है, अनुशासन में रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है, अच्छी आदतें डालना कितना ज़रूरी होता है। इन सब हमने फैक्टर्स पे, इन सब चीज़ों को लोगों बच्चों से चर्चा करी। बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स दिया। थोड़ा समय लगता है बच्चों को खुलने में, बट इस प्रकार के आयोजनों में हमेशा हम लोगों को फीडबैक करने का मौका मिलता है। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम इस विद्यालय में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। पूरे प्रदेश में है, पूरे इंदौर ज़िले में है। 11:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लाइव टेलीकास्ट भी है। जिन विद्यालयों में टीवी की व्यवस्था नहीं हो पाई है वहाँ पर हम लोगों ने रेडियो की व्यवस्था की हुई है ताकि सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन सके। टीचर बने कलेक्टर का अंदाज भी देखते ही बन रहा था और प्रशासनिक कप्तान के सरकारी स्कूल पहुंचने से व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।